हाय फ्रेंड्स, मैं मीना। मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कोथिंबीर वड़ी। ये महाराष्ट्र की मशहूर रेसिपी है और बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोथिंबीर वड़ी बनाने की सामग्री है 1 कप बेसन, 1 कप हरा धनिया पत्ता, इसे हमने धोकर अच्छे से सुखाकर काट लिया है। 2 चम्मच मूंगफली है, उसे हमने भूनकर पीसकर पाउडर बना लिया है। पानी, 2 चम्मच तेल, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, रेड चिली पाउडर 1/2 चम्मच, 1 पिंच हींग, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, 1 चम्मच जीरा, गरम मसाला 1/2 चम्मच, अजवाइन 1/2 चम्मच और तलने के लिए तेल। अब हम बाउल लेंगे और बाउल के अंदर हम बेसन डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोल तैयार करेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो गुठलियाँ आ जाएगी। थोड़ा और पानी डालेंगे और पतला घोल तैयार करेंगे। हमने पूरे 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है और देखिए इसी तरह का पतला घोल बनाना है। सबसे पहले हम पैन रखेंगे और पैन के अंदर हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है, जीरा डालेंगे, अजवाइन डालेंगे, हींग डालेंगे। आंच को धीमी रखेंगे और चला लेते हैं। हल्दी पाउडर डालेंगे, अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे और चला लेंगे। गरम मसाला डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे और 1 मिनट तक भून लेंगे। देखिए हमने 1 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें घोल डालेंगे जो हमने बनाकर रखा है। आंच को धीमी रखेंगे और एक हाथ से घोल को डालेंगे और एक हाथ से चलाते रहेंगे। इसी तरह से हम लगातार चलाएंगे जब तक कि हमारा घोल अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। देखिए हमने गाढ़ा होने तक पका लिया है और अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ धनिया पत्ता, पीसा हुआ मूंगफली का पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। अब सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हमने अच्छे से मिला लिया है और अब हम ऊपर से 1 चम्मच तेल डालेंगे और अच्छे से चला लेंगे। देखिए हमारा मिक्सर तैयार है और अब हम गैस को बंद करेंगे और ट्रे में जमा लेंगे बर्फी की तरह। अब हम ट्रे लेंगे। अगर आपके पास ट्रे नहीं है तो आप थाली या प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अब हम इसमें 1/2 चम्मच के करीब तेल लगाएंगे। देखिए हमने अच्छे से तेल लगा लिया है और अब हम इसके अंदर मिक्सर को डालेंगे और जमने के लिए पूरे 30 मिनट के लिए रखेंगे। देखिए हमने एक बराबर में कर लिया है और अब हम जमने के बाद काटेंगे। 30 मिनट हो चुका है और अच्छे से सेट हो गया है। अब हम पीसेस में काट लेंगे। हमने पीसेस में काट लिया है। अब हम नॉनस्टिक कढ़ाई में तेल को गरम करेंगे। तेल हमारा अच्छा गरम हो गया है और आंच को मीडियम रखेंगे और वड़ी को फ्राई करेंगे। दोनों तरफ से हम अच्छा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए अच्छा गोल्डन फ्राई हो गया है और अब हम टिश्यू पेपर पे प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे वड़ी को फ्राई करेंगे। कोथिंबीर वड़ी बनकर तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही क्रिस्पी बनी है।
आप इसी तरह बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।